दोस्तों स्वाइप ने लॉन्च करती है अपनी एक न्यू टैबलेट जिसका नाम आपको देखने को मिल जाता है स्वाइप स्लेट 3। आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे, साथ में जानेंगे क्या ये टैबलेट आपको बाय करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वाइप स्लेट 3 के डिजाइन से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल सा डिजाइन देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और ये दो कलर ऑप्शन में आपको उपलब्ध देखने को मिल जाती है। एक यहाँ पर आपको ग्रे कलर में आपको देखने को मिलती है, दूसरी ब्लू कलर में ये टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है। तो डिजाइन के बारे में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, आपको एक नॉर्मल ट्रेडिशनल सा डिजाइन देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको मतलब बेसिक सा डिजाइन देखने को मिल रहा है ओवरऑल। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले से, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है 10.1 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले। अब दोस्तों ये HD+ डिस्प्ले है क्योंकि एक बजट आपको टैबलेट देखने को मिल जाती है। ये है कि इन लोगों ने यहां पर IPS पैनल का यूज किया है, तो ओवरऑल जो कलर्स वगैरह होंगे वो आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट रेशियो वगैरह काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी के मामले में ऐसे आपको कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं, यहां पर आपको अच्छी किस्म की पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। बाकी बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको यूनिसोक की तरफ से आने वाला T618 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि दोस्तों 2 GHz पर आपको क्लॉक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर A73 वाली कोर्स भी उपलब्ध है, तो दोस्तों यहां पर जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी वो काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इवन यहां पर आप BGMI जैसे हैवी गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है कि इन्होंने यहां पर अच्छा प्रोसेसर यूज किया है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको 3 GB की रैम देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों मल्टीटास्किंग के लिए सफिशिएंट है, आप इजी तरीके से 4 से 5 एप्स एक टाइम पर यूज कर सकते हैं, और यहां पर आपको 32 GB के इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट दिया गया है। बाकी बात करें इसके एक्सपेंडेबल स्टोरेज की, तो यहां पर आप अप टू 128 GB का अलग से मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, तो इस टाइप से यहां पर आपको स्टोरेज ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करें यहां पर दोस्तों इसके कैमरास की, तो यहां पर आपको बैक में देखने को मिल जाता है 8 MP का कैमरा और दोस्तों फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 5 MP कैमरा। अब स्वाइप की कुछ और टैबलेट्स आई थी, उनके कैमरास को इतने ज्यादा खास नहीं थे, काफी बेकार क्वालिटी वहां पर देखने को मिलती थी, तो अगेन यहां पर भी जो कैमरास की क्वालिटी होगी वो आपको काफी ज्यादा बेसिक देखने को मिल जाएगी, कैमरास से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, तो स्टेप से यहां पर आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी। बाकी बात करें यहां पर बैटरी की, तो यहां पर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों टैबलेट के हिसाब से सफिशिएंट है। यहां पर HD+ डिस्प्ले दी गई है, तो आराम से आपकी टैबलेट 6 से 7 घंटा लास्ट कर जाएगी, अगर आप नॉर्मल यूज वगैरह करेंगे हैवी यूज करेंगे तो 4 से 5 घंटा ये लास्ट करेगी, तो इस टाइप से यहां पर आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें, तो इस टैबलेट के अंदर आपको 4G का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है, तो इजी तरीके से आप अपने वाईफाई के थ्रू यहां पर कनेक्ट कर इंटरनेट का एंजॉय कर सकते हैं, और ब्लूटूथ की यहां पर आपको 5.0 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, तो इजी तरीके से आप अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो यहां पर आपको डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो साउंड क्वालिटी अगेन बजट में काफी ज्यादा आपको बेसिक देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहां पर आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट दिया गया है, तो ये अच्छी चीज है कि यहां पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, तो एंड्रॉइड 11 के सारे फीचर्स यहां पर एंजॉय कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स वगैरह काफी इस तरीके से कर सकते हैं। स्टडी पर्पस के लिए मैं बोलूंगा बेस्ट टैबलेट है बजट में, इस टाइप से कंप्लीट आपको टैबलेट देखने को मिल जाती है स्वाइप स्लेट 3। इसकी प्राइसिंग की, तो इसके वाईफाई ओनली वाला वेरियंट आपको 10,899 रुपीज का देखने को मिल जाता है, वहीं दोस्तों वाईफाई प्लस 4G वाला वेरियंट आपको 11,899 रुपीज का देखने को मिल जाता है, तो मैं बोलूंगा प्राइसिंग के हिसाब से काफी अच्छी टैबलेट ही आपको देखने को मिल जाती है स्वाइप की तरफ से। यहां पर आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, ओवरऑल जो इसकी स्पेसिफिकेशन है इसकी प्राइसिंग के अनुसार काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है, सैमसंग की जो बजट टैबलेट्स आती है उनसे काफी ज्यादा बेटर ये टैबलेट आपको देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल सैमसंग A7 लाइट से काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, बस अगर आपकी कैमरास प्रायोरिटी नहीं है तो आप इस टैबलेट को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले ही भी टैबलेट रिकमेंड की थी स्वाइप की और जिन लोगों ने खरीदी है वो लोगों के काफी अच्छे व्यूज हैं, बट उनके कैमरास को लेकर इतने अच्छे व्यूज नहीं थे, बाकी जगह पर वो फुल्ली सेटिस्फाइड हैं कि उनकी परफॉर्मेंस वगैरह काफी अच्छी देखने को मिलती है उन्हें, जो कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि एंड्रॉइड टैबलेट्स में जनरली होता क्या है कि वो लैग करती है, लेकिन ये कि यहां पर आपको लैग वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तो स्टेप से कंप्लीट आपको स्वाइप स्लेट 3 टैबलेट देखने को मिल जाती है। मेरी तरफ से तो फुल रिकमेंडेशन है, आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं। आई होप दोस्तों करंटली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आप ऐसी टैबलेट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।